चलिए खबरों के सफर को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक और अपहरण की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में दारोगा की बेटी का अपहरण हुआ। ट्यूशन जाते वक्त दरअसल यह अपहरण हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी भी किसी किस्म की कोई पुलिस या कार्रवाई नहीं की गई। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार में मातम का माहौल है। मोदी नगर की घटना है, गाजियाबाद में अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दारोगा की बेटी का अपहरण हुआ। सोचिए कि जिन कंधों पर, जिन हाथों में लोगों के तहफ्फुज़, लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, खुद उन्हीं लोगों के यहाँ अब अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मोदी नगर की घटना है, जहां पर एक बच्ची का अपहरण किया गया। बताया जा रहा है कि वो ट्यूशन के बाद में वापस आ रही थी, तभी बच्ची का अपहरण हुआ है। संवाददाता जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके से तमाम जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, जिनका कहीं पुलिस पता नहीं लगा पा रहा। जबकि अब एक ऐसी स्थिति हो गई है कि गाजियाबाद में ही कार्यरत एक पुलिसकर्मी, जो कि काफी समय से मोदी नगर इलाके में रह रहा है और मेरठ के थाने में कार्यरत है, जो कि सब इंस्पेक्टर है दरोगा है, उनकी बेटी ज्योति कई दिनों से लापता है। अब उसका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा और जो परिजन है उनका यह आरोप है कि मोदी नगर थाना इंचार्ज समेत जो पुलिसकर्मी है, जिनको बार बार ये शिकायत दी गई कि उनकी बच्ची गायब हो गई, बच्ची लापता हो गई, उनका सुराग लगाए और उन पर यह आरोप लगाए कि बेहद बड़ी लापरवाही करी है और उनकी बच्ची लापता है, जिनका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा। जी, कार्रवाई के नाम पर पुलिस के जवाब क्या कुछ आ रहे हैं जितेंद्र? नहीं बिल्कुल, पुलिस की जब हम पुलिस से जो हमने बात करी तो हालांकि पुलिस ने कह दिया है कि बच्ची की जो 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 बच्ची की पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है कि बच्ची कहां गई है, बच्ची की लोकेशन जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस काफी सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। पुलिस ने बच्ची के जो फोटो है वो कई थानों में, कई इलाकों में सर्कुलेट भी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस असफल है, लेकिन जो परिजन है, जो बच्ची के परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है और बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। ये बच्चे गायब हुए, ट्यूशन से वापस आ रहे थे, जाहिर तौर पर रास्ते में आते जाते लोगों ने देखा होगा, आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो सकते हैं, क्या इन तमाम चीजों पर पुलिस का ध्यान नहीं? जी बिल्कुल, पुलिस कई चीजों पर जांच पड़ताल की बात कर रही है। आपको बता दें कि बच्ची को जिस वक्त जहां पर आखिरी वक्त देखा था, जहां पर सीसीटीवी खंगाले गए, हालांकि कोई ऐसा सीसीटीवी कोई एंगल ऐसा नहीं आया जिस पर सीसीटीवी में बच्ची आई हो, तो बच्ची का कहीं कहां है, किस तरीके से सुराग लगेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है गाजियाबाद के मोदी नगर थाना पुलिस के लिए और उस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन बच्ची ज्योति को कब तक तलाश पाती है। ये दरोगा की बेटी है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है ये, इसका पिता और मेरठ में कार्यरत है। आपको बता दें कि मोदी नगर इलाके से कई और लड़कियां भी पहले भी लापता हुई है, जिनकी हत्या कर सबको भेज दिया गया था। अब ऐसे में यह संशय बना हुआ है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, हालांकि इस बच्ची को अभी तक तलाश नहीं कर पा रही है गाजियाबाद पुलिस, और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बच्ची को कब तक पुलिस ढूंढ पाती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता गाजियाबाद से पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तौर पर पुलिस का लापरवाह रवैया इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में बर्ताव कर रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस जब इतनी लापरवाह होगी तो फिर आम लोग महफूज या सुरक्षित कैसे होंगे।